सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। राधा लिख रही है, राधा का लिखना क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया का उड़ना भी क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ना उसका क्रिया है। जो कोई कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं। लिख रही है, उड़ रही है और दौड़ रहा है, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों कि धातु, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी जो हम बोल रहे हैं वो ही, उसमें और शब्द जोड़ने से उसका क्रिया बन जाती है। धातु जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रिया के अन्य रूप बनते हैं, जैसे नाच नाचना, बजा बजाना, लिख लिखना। ना लगाने से यहाँ क्रिया बन गई। धातु तो मूल रूप है इसका नाच, और नाचना इसकी क्रिया हो गई। क्रिया के दो भेद हैं, जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये क्रियाएं कर्म के साथ कार्य करती हैं। जहाँ क्रिया में कर्म लगा हुआ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। हम सकर्मक क्रिया में क्यों और किसे लगाकर, सॉरी क्या और किसे लगाकर सवाल करेंगे। अगर उसका उत्तर हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उसका उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था दादाजी क्या हैं, कर्ता हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। राधिका गीत गा रही है, राधिका क्या गा रही है? गीत। तो ये गीत इसका कर्म हो गया और क्रिया है, पढ़ रहे हैं और गा रही है। क्रिया के साथ कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है या जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बच्चों देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत ही सरल है। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगा हुआ मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रश्न से वही उत्तर करेंगे कि क्या और किसे लगाने से अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार इसका कर्म हो गया। जहाँ कर्म लगा हुआ मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है। राधा क्या गा रही है? राधा गीत गा रही है, तो यहाँ गीत क्या है? कर्म हो गया इसका, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वे क्रिया कर्म के बिना होती हैं। जैसे कार चलती है, तो कार कैसे चलती है यहाँ इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है हमको। खरगोश दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है ये हमें इसका कुछ भी नहीं पता है, इसलिए इनमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ये देखिए कार और खरगोश यहाँ करता है और कर्म इसका कुछ भी नहीं है, और क्रिया देखिए चलती है और दौड़ रहा है। वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक की तरह अकर्मक क्रिया की पहचान करना भी बहुत सरल है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। प्रश्न देखिए क्या, कार क्या चलती है, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। खरगोश क्या दौड़ रहा है, तो यहाँ कोई आंसर नहीं मिला है इसका, क्या दौड़ रहा है इसका क्या मतलब हुआ, कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए बच्चों अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में फर्क देखिए कि क्या क्या कैसे होंगी। धातु तो जो मूल शब्द होगा, जैसे खुल, खुल हो गया इसका धातु, खोलना सकर्मक क्रिया हो गई ना लगा के, और खुलना इसका अकर्मक, दिख दिखाना दिखना, हार हराना हारना, इस तरह से बच्चों इनकी सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया और धातु हो गए। अब हम यहाँ इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के भेदों का अकर्मक और सकर्मक नाम लिखिए।
सोहन देखता है, सोहन क्या देखता है, यहाँ हमें इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका अकर्मक हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। सोहन करता है और देखना इसकी क्रिया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या भरता है, यहाँ हमें इसका आंसर मिल रहा है घड़ा, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। मैंने आज ही उसे पत्र लिखा है, मैंने उसे क्या लिखा है, पत्र लिखा है, पत्र यहाँ इसकी कर्म हो गया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। पंडित जी ने भक्तों को उपदेश दिया, सकर्मक क्रिया हो गई, क्यों, क्योंकि पंडित जी ने भक्तों को क्या दिया, उपदेश दिया। वैसे यहाँ दो कर्म भी है, पंडित जी ने भक्तों को और उपदेश, दोनों ये कर्म हो गए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो गई, वैसे ये सकर्मक क्रिया है। मैं सारी रात आराम से सोया, तो मैंने सारी रात आराम से क्या किया, सोया, सोना इसकी क्रिया हो गई। तुम मुझे मत ललचाओ, तुम मुझे मत ललचाओ, यानी कि तुम मुझे क्या मत करो, ललचाओ मत, ललचाना, जैसे एक वो होती है गरम, गरमाना, ललचाना, जैसे लालच का ललचाना, इस तरह से ये इसकी संरचना के आधार पर क्रिया हो जाएगी। अब जैसे बच्चों देखिए कि इसकी दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। क्रिया आपको समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने आपको बताई है, वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों ध्यान से हमको क्रिया आगे पढ़नी है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी, इसको ध्यान से पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी है। धन्यवाद।